गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम किचन में आए हैं, चाय बना रही हूँ, देख सकते हैं एक तरफ चाय पक रहा है और ये दूध खोल रहा है। हम लेट सोकर उठे हैं तो वो रेडी हो गए हैं, तो बरामदे में खड़े हैं। चले दिखते हैं उनका फर्स्ट डे ड्यूटी कैसा लगता है। और जी बताइए आज आप। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। हम तैयार हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए और ये मैडम चाय बना रही हैं हमारे लिए और ये सब सोनाक्षी सो रहे हैं। अगर वो उठ जाएंगे तो बोलेंगे पापा मत जाओ मत जाओ, इसलिए मैं चाय पी के चुपचाप जल्दी से निकल जाता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में साथ तक, और जो हमारे वीडियो लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग देखा करिए हमारी वीडियो, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम दिखाते हैं, हमारी बच्ची सो रहे हैं और हमारे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं। देखो ये सुबह सो रहा है सोनाक्षी, अभी ये लोग उठ जाएंगे तो रोएंगी पापा को ड्यूटी क्यों जाने दिए क्यों जाने दिए। और अमित किट्टू में भी सो रहे हैं, उनको भी क्या बोला जाता है ना, आटा सान के रखे थे, पराठा वगैरह बना दिए हैं और आलू की भुजिया बना दिए हैं। लंच दे देंगे, दोपहर में खा लेंगे। मैंने बोला बाहर की चीज़ कैसे आप खाओगे, पता नहीं दुकान खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब रोज़ हमको मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा। जब वो शाम को आएंगे तो देखना बच्चे को लेकर बैठे रहेंगे और पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। बच्चे तो हमसे पढ़ते नहीं हैं तो बोलेंगे मम्मी पापा से पढ़ेंगे, तो वो पढ़ाते हैं और उनसे भी सारा सारा मतलब वीडियो में ही उन्हीं से बात करवाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और उनकी बातें सुनिएगा, देखिए क्या क्या बोलते हैं। चाय हमारा बन के रेडी हो गया है, दूध भी खोलने वाला है, फटाफट उनको देंगे चाय ब्रेक और खाकर जल्दी निकल जाएंगे। बच्चे उठ जाएंगे परेशान करेंगे, जाने ही नहीं देंगे। ये देखिए हम लोग चाय पी रहे थे, मैं तो ओनली केवल चाय ही पी हूँ और ऋषभ इसी बीच में उठ गया और ये सब खिला ले तुमको, और उसके पापा बोल रहे हैं आओ खिला ले। देखो खिला रहे हैं। तुम कैसे उठ गए? हम सोचे थे ये दोनों सोए रहेंगे और फटाक से निकल जाएंगे और ये उठ गया। इनका देखो बैग ये है, सोनाक्षी का पैर दिख रहा है, ये टिफिन है इनका, और इस टिफिन में हम क्या दिए नहीं बताएंगे आप लोगों को, सरप्राइज। देखो बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। नहीं बोलेगा, सोकर उठा है ना, अभी नहीं बोलेगा, अभी पापा के पास चिपका हुआ है। 10:15 हो गया, निकलोगे? निकलना क्या? अच्छा ड्यूटी यहीं से, देखिए ऑनलाइन बुकिंग होता है, ड्यूटी ऑन कर रहे हैं। पहले इसमें फोटो खींच के डालना पड़ेगा मास्क पहन कर, तो दिखाइए मास्क पहन का फोटो। ये सब को लेकर खिंचवाओगे क्या? इसमें मांग रहा है कि पहले अपना फोटो डालिए, तो मास्क लगाएंगे ऐसे और अपना फोटो लेंगे। ऋषभ को लेकर कोई नहीं, फेस आना चाहिए। ऋषभ भी देख रहा है। तुम नीचे आ जाओ। तो ये मास्क लगाकर अपना फोटो करेंगे, खींच रहे हैं, जब वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तभी ड्यूटी ऑन होगा। दीदी सो रही है अभी, एक और फोटो खींच लिए थे। थैंक्स फॉर वेरिफिकेशन, तब जाकर ड्यूटी ऑन होगा। जी सब क्या सोच रहे हो? अभी इसको थोड़ी देर खिलाएंगे तब जाएंगे हम, नहीं तो रोने लगेंगे। डबल मास्क नहीं लगाए क्या? सेफ्टी से रहिए, जा रहे हैं। ये तरबूज लाए ना, तरबूज इनको हम नीचे तक ड्रॉप करने जाएंगे। देखिए अपना बढ़िया बिस्तर लेकर तैयार हो, बैग वगैरह लेकर, बोतल बैग मोबाइल, जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, मिलते हैं। चलो चलो बाय। अब गाड़ी तो छूट के आओगे आराम से? गाड़ी तो छोड़ के आओगी क्या? नहीं दी अरे, कम से कम बाहर तो छोड़ देता, नीचे आ गए हैं, कम से कम बाहर तक भी तो छोड़ सकते हैं।
देखिए गाड़ी हमारी वो खड़ी है, अब बैठेंगे चलाएंगे लेकर जाएंगे। अब ये दुकान वकान देखिए सब, अभी ये मेडिकल है, मेडिकल अभी बंद है, खुल जाएगा अभी। आप लोग दुआ करिए, वो लॉकडाउन का फर्स्ट ड्यूटी है तो जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो और ये भी स्वस्थ रहे। वो निकल गए, अब हम ऊपर जा रहे हैं, बच्चे इसी बीच में उठ गए थे। यहाँ देखिए सारे कनेक्शन बिजली का है, फर्स्ट फ्लोर है। देखिए फ्रेंड 10:30 बज गए हैं, हमारे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं, आज ये ड्यूटी पे गए थे। आप लोग को बताए थे ना कल की परसों वीडियो में जो आया था कि अरे बच्चे बोल रहे थे ड्यूटी मत जाइए, और मुझे जिद लगी तो मुझे घर जाना है, तो ये सोचे कि एक आध हफ्ता 15 दिन काम कर लेते हैं, थोड़े बहुत इनकम हो जाएंगे तो गांव चलेंगे। और ड्यूटी से आए हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देखिए सब पढ़ाई कर रहा है। आप लोग बोलते हैं आपके बच्चे दिन भर सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, लेकिन क्या करें लॉकडाउन में वो सब भी बोर हो जाते हैं। इधर सोनाक्षी पढ़ रही है, सोनाक्षी भी देखो अपना बुक वगैरह लेकर बैठी हुई है। और बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं, अपने पापा से पढ़ते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते हैं। देखो क्या क्या पढ़ रहे ऋषभ, बताओ बाबू क्या पढ़ रहे हो? ABCD बताओ, ठीक से बताओ, ABCD बताओ, चलो एफ आर। अच्छे बच्चे हो ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, फिर पढ़ाएंगे तुमको, ऊपर देखो। पति जी आज ड्यूटी गए तो इनका मूड फ्रेश हो गया, कितने दिन से घर बैठे थे ना, तो जानते हैं लॉकडाउन में घर में थे और डेली का आप लोग समझ सकते हैं। ये लोग सो रहे थे 8 बजे, हम अपना उठ के तैयार व्यार हो गए, फिर इनका भी नींद खुल गया, ये भी उठ गए। और क्या बोलते आटा सान के रखी थी ना तुम, तो बना के दे दी हम अपना खाना, ना फिर जाने नहीं देते। आज हमारे घर के पास झगड़ा हो गया और ये सब देखा खूब रोने लगा, कह रहे पापा हम तुमको मना किए थे ना ड्यूटी मत जाओ मत जाओ, बताओ इतना छोटा सा है और झगड़ा देख के रो रहा था। हमारे बच्चे को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज ये ड्यूटी गए तो सोनाक्षी पापा से पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी, पापा कितने पापा कितने बजे आओगे, कितने बजे आओगे, नहीं आज क्या कितने का काम किए हो, पापा कितने का काम किए मेरे लिए। हमारी बेटी को बहुत चिंता रहता है, अरे बोलती है कि आज आए पापा से क्या पूछ रही थी जब आए पापा, तो पापा से पूछे कि कितना रुपए मिला है। कितना रुपए मिला बताओ ना। 20 रुपीज। हम देखते हैं ना खोल के। हाँ तो हमारी बेटी सोचती है कि हमारे पापा बहुत मेहनत करें, हमारी मम्मी बहुत मेहनत करें और अच्छे से हम लोग भी देखो सबसे ज्यादा मैं सर्कल चली गई। ये सोचती है कि पापा पापा के पास बहुत सारे पैसे वैसे आ जाए और हम लोग भी अच्छे से घूमें फिरें और अच्छे से रहें। हम ड्यूटी पे गए तो सोनाक्षी करे, सोनाक्षी नहीं बोल रही है, ऋषभ को बोल रहे कि ऋषभ पापा से बोलो कि कुछ खाने के लिए लेके आए। तो हम जब आ रहे थे तो रास्ते में सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो तरबूज दिखा, तरबूज ले आए ऋषभ के लिए खाने के लिए, तो अब दुकानें बंद हो गई, कुछ तो मिला नहीं खाने के लिए। सही है, कल ड्यूटी जाना, परसों जाना, फिर मत जाना। क्यों क्यों, कायनट ऐसा पैसा आ रहा है, एक दिन काम कर ले, इतना ढेर सारा पैसा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे छोटे हैं। लेकिन देखिए पहले सोचो, छोटे बच्चे हैं, एक महीना से काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी सोच रही है कि हमारे पापा कुछ करे, पैसा आए। जब इंसान के पास रहता है पैसा ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है। और हम ड्यूटी से आए तो फिर अपना जो कपड़ा था वो साफ किए हैं और नहाए हैं, उसके बाद खाना खाए, फिर सोनाक्षी करे पापा आज नहीं पढ़ाओगे क्या, हम बेटा थक गए, करे पापा थोड़ा देर पढ़ा दो, हम कहे चलो ठीक है थोड़ी देर बैठो हम पढ़ा देते हैं। ये लोग अपने मम्मी से नहीं पढ़ते, हम ही को बोलते हैं कि चलो पापा, मम्मी को तो एकदम हलुआ समझ लेते हैं। और इनका ट्यूशन भी लगाए थे लेकिन कोरोना की वजह से सोनाक्षी का छुड़ा दिए, और ये भी पढ़ने जाता था वहाँ पे, जो पढ़ाती थी ना इसको डांटती तो अपना बुक सारा फाड़ देता था। क्यों फाड़ देते थे बता दो, वहाँ पे क्यों फाड़ देते थे बताओ। मोबाइल नहीं चलाने देती थी कि तुमको डांटती थी। और जब मैं छुट्टी हो ना तो जीने पे जाके क्या करता है,
मुझे ना मोबाइल नहीं चलाने देती है। कह रहा था कि ये मुझको डांटती है इसलिए मैंने बुक फाड़ देता हूँ। फ्रेंड जानती हो हमारी बेटी को ना बहुत बड़ा सपना है, पता नहीं इसका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हमारी बच्चों का मतलब हमारी फैमिली का सबका सपना पूरा हो, लेकिन हम कभी कभी जब ये लॉकडाउन सुनते हैं ना, जो जितना सब सोचे हैं ना, पता नहीं सपना कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, वो तो भगवान जाने। मेरा साइड कैमरा करियो क्या? तो सोनाची का बहुत ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। हम तो पापा कल जल्दी आना, पिज्जा लेके आना। देख रहे हो कि फरमाइश होती रहती है। अभी कमाई नहीं है, तुम्हें पिज्जा आ गई है, ऑर्डर चालू हो गया। ले आना, एक ही दिन गए ड्यूटी। एक दिन गए, दूसरा हो जाएगा तो ले आना। घर पे, घर से इतने दिन बाद निकले, थोड़ा जाके माइंड फ्रेश हुआ है। घर पे रहते रहते ऊब गए, ऐसा लग रहा है कि जेल में बंद हो गए हैं। अब सही है आपका दिमाग, अब तभी आप आज हमसे बात कर रहे हैं, नहीं तो बात भी नहीं करते हैं। घर पे रखते रखते देखते देखते बीबी को भी बोर हो गए थे, देखते देखते आए। क्या करे, घर में हर कोई बोर हो जाता है, मेरा खुद ही दिमाग टेंशन फ्री टेंशन में हो जाता है। मैं तो दो कमरे में बोर हो रही हूँ, इसीलिए तो ये लोग जा रहे हैं घर। आप नहीं जाओगे क्या? हम तो कह रहे हैं तुम लोग चली जाओ, हम यही रहेंगे। हाँ अकेले क्या करोगे, किसी गर्लफ्रेंड को लाकर रखोगे क्या? गर्लफ्रेंड? हाँ यही सोच रही हो क्या गर्लफ्रेंड? आप तो ऐसे बोले हम अकेले रहेंगे, तो बताओ कौन बना? अकेले रहने का मतलब तुम लोग जाओ घूमाओ, बच्चों का मन लगेगा नानी के घर जाने में। तो मन लगेगा तो क्या हुआ, बच्चे कितने खुश होते हैं नानी के घर जाने के लिए। हाँ वो तो सही है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो, कभी आप खाना नहीं बनाते हो, कैसे खाना बनाओगे? बना लेंगे यूट्यूब पे देख के। हाँ यूट्यूब पे पता चला किचन में आग लगा दी, बनाते बनाते कुकर जल के फट गया। थोड़ा बहुत आइटम जैसे कि कुछ नहीं आता आपको, बस चाय बनाने बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। हाँ तो हम ऑमलेट बना लेते हैं, अंडा का भुजिया बना लेते हैं। जब मैगी खाकर कितने दिन जियो, खाना खाना होता है, नाश्ता नाश्ता होता है। बता तो रहे यूट्यूब पे देख के बना लेंगे आजकल। नहीं आप भी चलो, चलते हैं ससुराल चलते हैं, दो तीन दिन रहेंगे फिर मम्मी घर चलेंगे। दादी के लिए दादी के घर तीन दिन रहेंगे, फिर नानी के घर 100 दिन। लॉकडाउन खुला है आज, हमारे कार में कस्टमर बैठे तो बोले कि जा रहे हो तो फिर पूरा जून बिता के तब आना वहाँ पे। चलिए अभी तो जाने का प्लान नहीं है, देखते हैं क्या होता है। हमारा धीरे धीरे शॉपिंग शुरू हो गया है। पापा जानते हो आज वो मंगाई थी टी-शर्ट। सबका शॉपिंग हो गया, मेरा कुछ शॉपिंग। आपके पास तो इतने सारे कपड़े हैं, पहनने का टाइम नहीं मिलती है। पापा के पास बस यही कपड़ा है। हर ब्लॉग में यही पहने रहते, क्या यही कपड़ा है, बैग निकाल के दिखा दो। हम लोग गरीब है ना। अच्छा दिखाओ मत, रख दो, देखो छुओ मत उसको, सैनिटाइजर देखो रे, 24 घंटे के लिए हम सामान रखे हैं। देखो अच्छी, रखो रखो, ये गलत बात, पहन के दिखाएंगे ना। बाबू उधर देखो, बाबू देखो, बाबू तो बोलते बाबू कह रहा पढ़ाओ पढ़ाओ तुम। बाबू हमारा पढ़ के मैनेजर बनेगा। क्या लिखूं बताओ? सोनाची देखो, हम पढ़ चुके हैं। 1-2 ये हमारा रूम है, छोटा सा रूम। छोटा हमारे घर में बोल रहे थे दो फ्रिज है ना, दो फ्रिज नहीं है, ये फ्रिज खराब हो गया, इसको इसको स्टोर बना दिया सामान रखने वाला। सामान जैसे छोटे चॉकलेट बिस्किट वगैरह सब इसी में रखते हैं। हाँ तो यही में रखते हैं सामान, चलता नहीं है, फ्रिज खराब हो गया है। तो पहले दुकान शादी का टीवी दिखा दो, मेरी शादी का टीवी, हमारे शादी में ये टीवी मिला था। इनके जीजा जी दिए थे? जीजा जी नहीं दिए थे, मेरे फुफा जी दिए थे। फुफा जी दिए? हाँ जब मेरी शादी हुई थी मेरे पापा के पास कुछ नहीं था, फिर भी मेरी शादी हो गई। अब कोई देखता ही नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा है। प्लीज अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिए, हम दे देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे। देखो सोनाची अपने पापा से बहुत प्यार करती है, पापा का बहुत सेवा करती है, और क्योंकि हर बात इसके पापा मानते हैं ना, इसका हर सपना पूरा करते हैं। तो उनके सर में दर्द हो रहा था तो वह बेटी रख रही है, बहुत समझदार है हमारी बेटी,
ऐसा बेटी सबको दे। मेरे बच्चे बहुत समझदार। पता है कल रात को ऋषभ क्या बोल रहा था? बोल रहा था जब मैं रात को रूम में आई था सोने 1 बजे रात को, कह रहे मम्मी पापा का तुम सर क्यों नहीं दबाई? हमके क्यों सोनाक्षी दबाई थी ना, तो कह रहे हैं कि अरे नहीं आपको दबाना चाहिए, आप उनकी वाइफ है ना, और हमें हमारे आँख से इतने आंसू आ गया ना, हमके इतना छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है, कह रहे प्लीज मम्मी दबा देना, हमके तो तुम रो क्यों रहे हो। और बेचारा जा रहा था बाथरूम सुसु करने, कूलर का पानी गिरा था, छटक के गिर गया, फिर हमसे रो रो कर सो गया। 1:30 बज रहा था रात को। दोस्त लोग हमारी वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए इस ऋषभ को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट आवर फैमिली।